हेलो जी, राम राम सारा ने प्रियंका दी अश्योरण चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो बहुत ही प्यारी सी रेसिपी है। वो रेसिपी है प्याज और बेसन की। तो जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो मेरी वीडियो हो एंड तक जरूर देखें। तो ये जो रेसिपी है वो जिसने पहले कभी बनाई है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी ने नहीं बनाई है तो वो भी प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें और कमेंट में बताएं वो कैसी बनी कैसी नहीं बनी, अच्छी लगी आपको या वीडियो नहीं लगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है चलो मैं बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसके लिए ली है मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और 2 छोटी चम्मच बेसन और ये प्याज। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ये सारा सामान ले सकते हो। ये जो हमारे प्याज थे वो मैंने लंबा करके काट लिए हैं और हरी मिर्च को भी ऐसे ही लंबा करके काट लिया है और जो लहसुन थे वो हमने उनका पेस्ट बना लिया है। अब लेंगे हम कढ़ाई, गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और बेसन को उसमें डालेंगे। बेसन को हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, तब तक उसका सुनहरा कलर नहीं आ जाता, हमें उसका ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है। ये 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। ये हमारा सुनहरा कलर हो गया है, अब हम इसे कढ़ाई से निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो डालना चाहो डाल सकते हो, मैंने घी लिया है। अब देखो हमारा घी जो गर्म हो चुका है उसमें हमने जीरा डाल दिया। जीरा भी देखो हमारा ब्राउन हो गया है। अब उसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया था, तो हमने वो डाल दिया है। अब डालेंगे हम हमारे प्याज जो लंबे करके हमने काटे थे, अब उन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक हम प्याज को ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखो जो हमारे प्याज थे वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बेसन को। बेसन को हम अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। अच्छे से तैयार हो गया। और आपको कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट करके जरूर जरूर बताएं।